हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब मज़े में ही होंगे। दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर हमेशा की तरह फिर से कुछ यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आ गई हूँ, जो कि आपके समय और पैसे की तो बचत करती करती हैं, साथ साथ आपके काम को भी आसान बनाने में हेल्पफुल होती हैं। चलिए, देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं अपनी पहली टिप से। कि दोस्तों, जब भी हम इस तरीके से अरबी को उबालकर बनाते हैं, तो आपने देखा होगा जब हम इसको छीलने लगते हैं, अरबी छीलते टाइम एक तो हमारे हाथों को भी बहुत ज़्यादा चिपकती है और साथ साथ अच्छी तरीके से छीली भी नहीं जाती, आधे से ज़्यादा जो है छिलकों के साथ भी ये निकल कर ख़राब हो जाती है। तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया ट्रिक है कि आप जब भी अरबी को छीलें, तो छीलने से पहले आपने क्या करना है, उसको आप रख दें थोड़ी देर के लिए फ्रिज में। अब देखिए दोस्तों, मैं अब आपको छील कर दिखाती हूँ, तो ये बिल्कुल भी मेरे हाथों को चिपकेगी नहीं और बहुत ही आसानी से छील जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके की व्हाइट शर्ट को, जो कि अक्सर बच्चे स्कूल में पहन कर जाते हैं, लेकिन व्हाइट शर्ट होने के कारण ये बहुत जल्दी गंदी हो जाती है और उसके ऊपर कई टाइप के दाग लग जाते हैं, जैसे बच्चों के पेन के दाग लग जाते हैं, जिनको छुड़ाना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। तो आज मैं बहुत ही आसान ट्रिक लेकर आई हूँ कि अगर आपके बच्चों की शर्ट के ऊपर भी पेन के दाग पड़ गए हैं, तो आप उसको इजीली कैसे छुड़ा सकते हैं। ये देखिए, मैंने एक कपड़ा ले लिया है, मेरी तो शर्ट साफ है, मैं आपको किसी दूसरे कपड़े के ऊपर लगा कर दिखा रही हूँ कि जैसे कि मैंने ये कपड़ा लिया है और इसके ऊपर मैंने पेन के इस तरीके से दाग लगा दिए हैं। अब हम इसको कैसे छुड़ाएंगे, इसके लिए बहुत ही इजी मेथड है। आपने लेना है डिटोल, डिटोल जो कि अक्सर हर घर में मिलता है। हमने क्या करना है, सिंपली डिटोल लेना है और जहां भी दाग पड़ा है उसके ऊपर हम थोड़ा सा डिटोल डाल देंगे। और इसके बाद हम लेंगे कोई ब्रश और ब्रश की मदद से हम इसको धीरे धीरे क्लीन करेंगे। अब आप देखेंगे आपके सामने, जैसे ही मैंने डिटोल डाला है, धीरे धीरे ये पेन का जो कलर है उसका दाग धीरे धीरे खत्म हो गया है। आप देख ही पा रहे हैं, आपके सामने ये सारा का सारा दाग जो है रिमूव हो गया है। आई होप आपको कैमरे में दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए, मिनटों में ही आपका दाग गायब हो जाता है, आपको कोई भी ज़्यादा मेहनत या मशक्कत नहीं करनी पड़ती है। ये देखिए, देखते देखते ही आपके सामने इंक का दाग एकदम रिमूव हो गया है। अब इस तरीके से आप इसको नॉर्मल साबुन से वॉश कर लीजिए, जैसे कि और कपड़े करते हैं। मैं अभी आपको वॉश करके दिखाती हूँ कि एकदम ये दाग मिनटों में गायब हो जाएगा। वैसे तो आपको अभी दिखाई दे रहा होगा कि दाग इसके अंदर से एकदम चला गया है। ये देख सकते हैं दोस्तों, जिसके ऊपर मैंने पेन का दाग लगाया था उसको मैंने साबुन से क्लीन कर लिया है। अब ये देखिए, मेरा बिल्कुल क्लीन हो चुका है, इसके ऊपर कोई भी इंक के दाग नहीं लगे हैं। नेक्स्ट टाइम जब भी आपके बच्चों के ऊपर या किसी भी बड़े के कपड़े के ऊपर इस तरीके से पेन के दाग लग जाए, तो आप इस ट्रिक से मिनटों में ही उसको छुड़ा सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है गर्मियों को लेके। जैसे कि गर्मियां चली रही हैं और साथ साथ कभी कभी बरसात भी हो जाती है, जिसके कारण हमारे वेदर में काफी सारी ह्यूमिडिटी हुई हुई है, जिसके कारण हमें बार बार अंडर आर्म्स के नीचे पसीना आता है और पसीने के साथ साथ स्मेल भी आती है, जिसके कारण हमें बहुत ऑकवर्ड फील होता है। तो उसको दूर करने के लिए हम ज्यादातर बाजार से महंगे महंगे डीओ खरीद के लेकर आते हैं और उसको लगाते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारी सेहत के लिए नुकसान पहुंचाते हैं। तो हम क्यों केमिकल बेस्ड डीओ का यूज करें, क्यों ना हम घर पे ही कोई जुगाड़ निकाल लें जिससे कि हमारे पसीने में से कोई बदबू ना आए। उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं फिटकरी का, जो कि अक्सर हमारे घर पर होती ही है। फिटकरी हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होती है, ये बहुत सारे कामों में हमारी मदद भी करती है। तो इसको हम कैसे यूज करें जिससे कि हमारी पसीने की बदबू ना आए, उसके लिए आपने क्या करना है, जब आप नहा लें, अच्छी तरीके से शावर ले लें, तो उसके बाद आपने क्या करना है, फिटकरी को गीला कर लेना है और गीला करने के बाद आपने अपने अंडर आर्म्स के नीचे इस तरीके से फिटकरी को रगड़ना है। रगड़ने के बाद आप क्या करें, उसको एरिया को सूखने दें। सूखने के बाद आप अपने कपड़े पहन लें। उसके बाद आप देखेंगे कि आपको पसीना तो जरूर आएगा, लेकिन आपके पसीने में से बिल्कुल भी बदबू नहीं आएगी, क्योंकि ये जो फिटकड़ी होती है, ये हमारे पसीने में जो बैक्टीरिया पैदा होते हैं, जो स्मेल का कारण बनते हैं, उस बैक्टीरिया को ये किल करती है। तो इससे एक फायदा तो ये होगा कि आपका देसी इलाज के जरिए आपका जो पसीने में से कोई स्मेल नहीं आएगी। इस तरीके से आप अपने घरेलू नुस्खे के जरिए ही अपने पसीने की बदबू को हटा सकते हैं बिना किसी केमिकल को यूज किए हुए, और इससे हमारे एक तो ना तो पैसे खर्च होंगे और ना ही हमारे शरीर को किसी तरीके का हार्म पहुंचेगा। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है कबाड़ से जुगाड़ लेके। दोस्तों, अपने घर में सफाई तो हम करते हैं और बैठकर हम पोछा भी लगाते हैं, लेकिन कई लोगों को कमर दर्द की या
कई लोगों के जोड़ों में दर्द होता है जिसके कारण वो बैठ के पोछा नहीं लगा पाते हैं, तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ता है, वो बाजार से महंगे पोछे लेकर आते हैं जो स्टैंडिंग वाले होते हैं, उनसे वो अपने घर पे पोछा लगाते हैं। तो हम क्यों बाजार से पैसे खर्च करें, क्यों ना हम घर पे ऐसा देसी जुगाड़ बनाएं जिसकी मदद से हम पोछा आसानी से खड़े होकर भी लगा पाए। तो उसके लिए मैंने ये ले ली है बोतल। आप कोई भी कोल्ड ड्रिंक की बोतल या पानी की बोतल जो भी है आप ले सकते हैं। उसके बाद आप इसका कवर उतार लीजिए। तो मैं आपको ये एक बोतल लेकर दिखा रही हूँ कि मैंने ये वाली बोतल ली है। अब हमें क्या करना है, अब हमें किसी नुकीली चीज की मदद से या आप चाकू गर्म करके या किसी भी तरीके से आपने इसके इधर की साइड और इधर की साइड बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे आगे पीछे की तरफ दो होल बना लेने हैं। इसके लिए हम इसका जो ढक्कन है इसको खोल देंगे ताकि इसके अंदर जितनी भी एयर है वो निकल जाए, और इसके बाद हम इसको इस तरीके से पिचकाएंगे और यहाँ पर निशान लगाकर इसको गोल कट कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से मैं कैंची की मदद से थोड़ा थोड़ा इसको कट कर लूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी एक साइड तो मैंने होल कर दिया है, अब हमें सेम इसके डिस्टेंस पे ही दूसरी साइड पे होल कर देना है। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसके दोनों साइड पे आमने सामने होल कर लिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें जरूरत होगी एक डंडे की। आप डंडा कोई भी ले सकते हैं, कोई पाइप ले सकते हैं, या आपके घर पे कोई भी लकड़ी की छड़ है उसको ले सकते हैं, किसी या वाइपर का आपका टूटा हुआ डंडा है, कोई भी आप डंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, डंडे को लेके हमने ये जो होल बनाए हैं इसके अंदर हमने इस डंडे को डाल दिया। ये देखिए इस तरीके से मैंने डंडे को इसके अंदर फंसा दिया है, और डंडा ये आपस में खिसके नहीं, इधर से उधर निकले नहीं, तो इसको हम अच्छी तरीके से फिक्स करेंगे। उसके लिए मैंने ले लिए हैं इस तरीके से दो धागे। इसकी मदद से हम क्या करेंगे, इस डंडे को अच्छी तरीके से सिक्योर कर देंगे। ये देखिए मैंने आगे से बांध लिया है, अब सेम इसी तरीके से मैं इसको पीछे से भी बांध लूंगी ताकि ये हमारा पीछे से बिल्कुल भी खुले ना। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसको आगे और पीछे दोनों से फिक्स कर दिया है ताकि हमारी बोतल बिल्कुल भी खिसके नहीं और ये अच्छी तरीके से फिक्स हो जाए। दोस्तों अब हमारा ये एक टूल बनकर तैयार हो गया है। इसका इस्तेमाल कैसे करना है चलिए मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए आप अपने घर पे रखी हुई कोई भी टी शर्ट ले सकते हैं, कोई भी आपकी खराब जिसका आप इस्तेमाल नहीं करते। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने टूल बनाया है इसके अंदर हम टी शर्ट को फंसा देंगे। अगर दोस्तों आपका टी शर्ट का गला छोटा है तो आप इसको ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरी टी शर्ट का गला थोड़ा सा बड़ा है और ये बोतल में से निकले ना, इसके लिए मैं इसको सिक्योर कर दूंगी और इसके लिए मैं इसके अंदर एक लगा दूंगी सेफ्टी पिन। अब ये हमारा टूल बनकर तैयार हो गया है। इसकी मदद से आप खड़े खड़े आसानी से पोछा लगा सकते हैं। वैसे भी हम क्या करते हैं, अक्सर जुगाड़ के तौर पर वाइपर के ऊपर पोछा लगाकर क्लीन करते हैं, लेकिन उससे पोछा तो लग जाता है लेकिन दिक्कत ये आती है कि बार बार हमारा पोछा जो है वाइपर में से उतरता रहता है। लेकिन अगर आप ये टूल एक बार बनाकर रख लेंगे तो इस तरीके से आपको पोछा लगाना तो आसान हो जाएगा और बार बार आपका पोछा भी नहीं निकलेगा और ना ही खिसकेगा। और जब आपका पोछा गंदा हो जाए तो आप इसको पानी में से धो लें और इसके बाद फिर से इसके ऊपर इस तरीके से चढ़ाकर यूज कर सकते हैं। इस पोछे को आप अपने सोफे के नीचे भी इसका यूज कर सकते हैं, अपने बेड के नीचे भी जहां हमारा हाथ नहीं जाता है वहां पर भी लगा सकते हैं। इसका इस्तेमाल आप अपने किचन की टाइलों को क्लीन करने के लिए कर सकते हैं। इससे अगर आप चाहे अपने दीवारों को भी क्लीन कर सकते हैं, या आपके घर पे कोई भी फोटो फ्रेम है जहां तक आपका हाथ नहीं जाता उसको भी आप इसकी मदद से क्लीन कर सकते हैं। अभी तो मैं आपको सूखा पोछा लगाकर दिखा रही हूँ, आप चाहे तो इसको गीला करके अच्छी तरीके से पोछे को लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर इनमें से कोई भी टिप आपको हेल्पफुल लगी है तो दोस्तों इसको लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और मेंबर्स में शेयर कीजिएगा। और आप मेरे से जुड़े रहना चाहते हैं और इसी तरीके की यूजफुल वीडियोस और भी देखना चाहते हैं तो बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।